अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इनाया किचन एंड ब्लॉग अफ्रीका में आप सबका वेलकम है। अभी सुबह के 8 बजे हैं और आप देख सकते हैं बाहर मौसम कैसा हो रखा है, जैसे बारिश होने वाली है। आज धूप नहीं निकली है। से कौन देखे? जी मिटकाश का तुम। ऐसे सिनोरा? वोइटेन कदकिल। मांच पिमेंटा? कदकिल एस्टेन द मिटकाश पिमेंटा। आज देखिए ये सब्जी बेचने वाला आया था, तो मैंने इसको प्राइस पूछा। मीठी भाजी 10 की एक बोल रहा है, गाजर 80 की किलो और शिमला मिर्च 70 की किलो। ये 5 किलो टमाटर है और इसको मैंने 200 में लिए थे। तो मैंने सब्जी खरीद ली और मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी, तो सबसे पहले मैंने आटा गूंथ लिया। अभी मैं इसकी रोटियां बना लूंगी और साथ ही मैं हरे मूंग बनाने वाली हूँ। चलो तो अभी जल्दी जल्दी रोटी बना लेते हैं और अब मैं रोटी को बेल लूँगी। तो मैंने रोटी को बेल के रेडी कर लिया है और अभी इसको हम सेक लेंगे। इनाया तो मैंने रोटियां बना ली हैं, तो अब मैं मूंग का सालन बना लूँगी। उसके लिए मैंने कुकर रख दिया है और पानी ऐड कर दिया है। तो अब मैं हरी मूंग ले लूँगी, ये मूंग 1 कप ले लूँगी। और अभी मैं इसको धो लूँगी। अभी हम इसके अंदर मूंग ऐड कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। मैंने पतीला लग दिया है, अभी इसके ऊपर इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे। और साथ में कड़ी पत्ते। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और साथ ही में अदरक ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक मैंने 1-1 चम्मच ले लिया था।
अभी से इसे अच्छे से भून लेंगे। अभी इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हो गया है, इसके अंदर हम ये बॉईल किए हुए हरे मूंग ऐड कर देंगे। अभी थोड़ी देर इसको उबलने देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा खाना रेडी हो चुका है। ये चावल, रोटी और हरे मूंग दाल का सालन। देखिए आज मैंने इस तरह से प्लेट रेडी की है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।